जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 1930 पोस्ट पर निकाली है। गाइज, ये वैकेंसी यूपीएससी के माध्यम से कंडक्ट की जा रही है एंड आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी यहाँ पर इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर होगी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ईएसआईसी के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी रेशन से लेकर के प्रिंट तक के दी जाएगी। एंड ये भी जो अभी आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कि आप अच्छे से जान सकते हैं कि क्या सैलरी आपको मिलेगी, एज लिमिट कितनी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन के क्या क्या विकल्प है अप्लाई करने के लिए, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए तो आप कैसे फिल करेंगे वो आप जान लीजिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी यहां पर भी आ जाएगी, आप यहां से भी पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। आप लोग इस फॉर्म को 27 मार्च 2024 तक भर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में गाइज आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक थ्रू ओटीआर इसके ऊपर क्लिक कीजिए, देन आपके सामने यूपीएससी की ये वेबसाइट आ जाएगी। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल के पिछले 1-2 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक ही बार राशन करना होता है। आप उसी इंफॉर्मेशन से इसमें यहां पर लॉगिन करेंगे, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर का इस्तेमाल करके यहां पर आप ओटीपी ला करके आपके नंबर या ईमेल पर लॉगिन हो जाइएगा। बट गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आपको यहां पर इस तरफ आना है और आप यहां पर देखेंगे न्यू राशन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके सामने राशन का पेज आ चुका है, आपको आपका नाम पहले एंटर करना है। यह नाम आप यहां पर 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे, इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई नेम में वेरीफाई कर देना है। फिर जो आपका फुल नेम है फुल नेम आपको यहां पर एंटर करना है, देन यहां पर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आपके जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, पहले आप यहां से इस प्रकार से ईयर, फिर यहां पर मंथ और उसके बाद में डे, तो इस तरह से आपकी डीओबी आ जाएगी। देन आपको आपकी डीओबी को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। इसके बाद यहां पर गाइज आपके सामने आता है फादर नेम, तो आपको आपका फादर नेम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है और फादर नेम को दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहां पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे एंड मदर्स के नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको बताना है कि आपका माइनॉरिटी स्टेटस है यानी कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हां तो आप यस करें, और यस करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहां पर आपका नंबर एंटर करना है, इस नंबर के अलावा कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर क्लास 10th, यानी कि आपको 10th का रोल नंबर यहां पर एंटर करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी एक यहां पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहां पर दे दीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहां पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सेलेक्ट करना है और उसका आंसर भी दे देना है। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहां पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी ओटीपी सेंड किया है, आपको यहां पर पहले मोबाइल वाला ओटीपी डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहां पर ईमेल वाला ओटीपी, बेसिकली आपको दोनों ओटीपी एक साथ में डालने और फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आप यहां पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यह जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहां पर जो आपका ओटीआर आईडी आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे, यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहां पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहां पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहां पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, बेसिकली यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, आपको यहां पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। इस तरह का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए और आपको यहां पर यह पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहां पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर
क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आएगा, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पहले नंबर पर देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर इन इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ESIC, और इसके इम्पोर्टेंट डेट्स भी आपको यहाँ पर दी गई है। मैं आपको बता दूँ कि इसके साथ में आपके EPFO यानी कि UPSC EPFO पर्सनल असिस्टेंट के फॉर्म भी आए हुए हैं, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना, मैं आपको दिखाता हूँ, चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते तो आप इस वीडियो को भर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो कर दिया आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, अब चलिए एक बार फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में गाइज आप देखेंगे पार्ट वन में अपडेट एडिट OTR, यानी कि अगर आपने OTR पहले से करके रखा है और आप उस जानकारी में कोई जानकारी चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो आप अपडेट एडिट OTR के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पर नीचे क्लिक एयर फोर पार्ट वन इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सभी को रीड करते हुए आप यहाँ पर यस कर देंगे। अब यस करने के बाद में आपके सामने ऊपर की तरफ आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन होगी और नीचे आपको ये सभी जानकारी अब भरनी है। तो नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस आपको बताना है अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोवर या फिर डाइवोर्सी, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप विकलांग है तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आती है कम्युनिटी, तो आपकी कास्ट कम्युनिटी कौन सी है, EWS के सामने यहाँ पर एक अतिरिक्त ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी देनी होती है। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी है तो आपको कोई अतिरिक्त ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। OBC है तो आपके सामने एक अतिरिक्त ऑप्शन आएगा जहां पर पूछेगी कि आप क्रीमी लेयर से आते हैं, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। एंड ये आप ही को पता होगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है आपको पढ़ना है, उसमें आपको पता चल जाएगा, उसमें लिखा होगा कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यस नो में आंसर करेंगे। एंड अगर आप SC ST तो आपके सामने तब भी अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे जहां पर पूछा है कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, तो ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर कहां पर होता है आप जान लीजिए, ये कास्ट सर्टिफिकेट है कैंडिडेट का, तो यहां पर जो प्रमाण पत्र क्रमांक है यही आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर है, तो आप यहां पर इसको भरेंगे। उसके बाद में डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, तो कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, तो आपका यह सर्टिफिकेट है इसमें यहां पर नीचे आना है और आप देखेंगे सक्षम अधिकारी तहसीलदार, तो इसका मतलब है कि यह तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है, तो आप यहां पर सिलेक्ट डेजिग्नेशन में तहसीलदार सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपको आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। मेरे में तहसीलदार लिखा है क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट तहसीलदार ने जारी किया है, इसलिए मैंने तहसीलदार सेलेक्ट किया है। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है और यहां पर जिस भी अधिकारी की पोस्ट का नाम लिखा है वही आपको यहां पर इस लिस्ट में से सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आता है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग काउंटर साइनिंग स्टेट नेम, तो आप यहां से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे कि किसके द्वारा ये जारी हुआ है। आपको यहां पर सेंट्रल का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट, तो कब ये जारी हुआ है उसकी डेट भी आपको यहां पर दी गई है, जारी दिनांक 10 जनवरी 2024 है इसका, इस सर्टिफिकेट की। आपको भी आपका सर्टिफिकेट चेक करना है और उस पर जो डेट लिखी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है। एंड उसके बाद में गाइस आता है सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप कौन सी क्वालिफिकेशन से इस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, BSc ऑनर्स इन नर्सिंग या फिर रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या फिर डिप्लोमा इन GNM, तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला है रजिस्टर्ड एज ए नर्स या फिर नर्स एंड मिडवाइफ, जिसमें कि बोला है कि रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो आप यहां पर इसको सिलेक्टेड रहने देंगे क्योंकि आप इसको अनसेलेक्ट नहीं कर सकते। फिर आपको यहां पर आपका एड्रेस देना है, आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहां पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर डाल दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि आपको आपके एड्रेस में कोई कोमा, स्लैश या फिर अंडरस्कोर नहीं लगाना, नहीं तो एरर आएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको स्पेस दे देना है जहां पर भी आपको लगता है कि कोमा लगाने की जरूरत है। उसके बाद आपको यहां पर स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, एंड देन फिर आपको यहां पर आपका पिन कोड डाल देना है। ये डालने के बाद में आप यहां पर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर ऑप्शन है कि आयु में छूट का दावा, अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं और आपको छूट चाहिए तभी आप यहां पर यस करिए, अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं और आप SC ST OBC है तो आप यहां पर नो कर दीजिएगा कि मुझे अभी छूट नहीं चाहिए, तो आप यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। एंड उसके बाद में कोई एक आईडी इनमें से सेलेक्ट कर ले, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर फिर आपको यहां पर डालना है, एंड देन उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है वो अपलोड भी करनी है और इसका फॉर्मेट PDF का रखना है। अगर आपका इमेज में है तो आप क्या करेंगे, गूगल के अंदर जाइए और इमेज टू PDF सर्च कीजिए। ये सर्च करने के बाद में जो पहले वाली वेबसाइट आएगी ये आप ओपन कीजिएगा, एंड देन आपने जो फोटो लिया है आपकी आईडी का वो
फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है और फिर आप उसको एक क्लिक में पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए इमेज में सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और फिर यहाँ पर कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पीडीएफ के रूप में यहाँ पर आ जाएगी और फिर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड देन फिर आपको वो फाइल यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करनी है, तो जहाँ पर भी फाइल है सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इस तरह से वो अपलोड हो जाएगी। फिर आप कंटिन्यू ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है वो आपके सामने है, आप पूरी की पूरी जानकारी ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए चेक करेंगे और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तभी आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपको लगता है कि गलत हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी, तो आप वो अपडेट कर लेंगे। नहीं तो ये कैप्चा को डालिए और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद में गाइज आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको पहले फीस जमा करनी होगी, तब जाकर के वो इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और अपने रजिस्ट्रेशन का जो ये डिटेल है ये कॉपी या फिर इसको प्रिंट कर पाएंगे। एससी एसटी और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब उनको क्या करना है, उनको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद वो यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर आएंगे, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर पहले ये जान लीजिए कि आपका फोटो कैसा होना चाहिए। इसमें सेम फोटो मांगा है जैसे कि अभी रिसेंटली यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो फॉर्म भरे गए थे उसमें मांगा था और ये पहली बार ही इन्होंने इस तरह का चेंजेस इसमें लाया है, जिसमें कि आपको आपके फोटो के नीचे नेम लिखना है और फिर आपका नेम लिखना है जो भी आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है। एंड देन फोटोग्राफ डेट के बाद में आपको इस तरह से आपकी डेट लिख देनी है। अगर आपका सिंपल नेम और फोटोग्राफ और आपकी डेट ऑफ फोटोग्राफ लिख देंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे बनाना है, फोटो कितने पिक्सल के अंदर बनाना है, तो मैं आपको बता दूं कि जब अभी जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के फॉर्म आए थे तो उस वक्त मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया कि आपको फोटो कैसे बनाना है, तो आप ये वीडियो वॉच करिएगा जो कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगी, जो लिंक मैंने आपको हमारी वेबसाइट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है jobsgyan.in का, ये लिंक आप ओपन करेंगे और आप यहां पर आएंगे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। आप इस वीडियो को देख करके आपका फोटो बना लीजिएगा जिसमें कि मैंने आपको बताया कि कितने पिक्सल के अंदर रखना है, फोटो के नीचे नाम और डेट कैसे लिखनी है, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दी गई है। चाहे आप मोबाइल से भर रहे फॉर्म को या फिर कंप्यूटर से, आप इस वीडियो को देख करके आपका फोटो के नीचे या फिर फोटो को बना पाएंगे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। एंड देन फिर गाइज आप यहां पर उसको अपलोड करेंगे तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका फोटो है जो कि आपने बनाया है वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहां से ओपन कर लेंगे। फिर जो आपका सिग्नेचर है वो फाइल आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहां से ओपन करके इसको भी अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे, तो इस तरह से आपका सर्टिफिकेट आएगा। अब आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है एंड देन सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके कहां पर आप आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहां पर फिर आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से गाइज आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अभी बात आती है कि कैसे आपको फॉर्म का प्रिंट लेना है या फिर इसको पीडीएफ के रूप में लेना है, तो आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें, एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करें एंड देन यहां पर जितने भी फॉर्म में आपने अप्लाई किया है आप देख सकते हैं व्यू प्रिंट एप्लीकेशन के नीचे क्लिक करके ऊपर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं या फिर इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।